गवाची पेट। एक आदमी की 100 पेट थी। वो जिस वेला उन्हें आवाज दिया था इना ले तो उसकी यह आवाज सुनकर सारी पेड़ उसके पीछे चलेंगी। वो उन नीली का आधा साफ पानी की जगह ले जाता। वो बढ़िया गद्दी थो बादर भी थो। एक बारी एक जंगली जानवर पेड़ ना मारने वास्ता आयो तो उसने पेड़ पर हमलों करने पहले ही वो घायल कर छोड़ो। उसके बाद वो पेड़ ना नीला जेरा में ले गयो। दिन डूबने गए बेले वो फिर उन्हें सदा थो एना ले ताकि रात होने से पहले वो उन्हें अपना जाड़ा बुझा सके। और एक निक्की पेड़ थी जेडी उसकी आवाज नहीं सुनती क्योंकि वह मस्त होगा अपना ही गाल ही चेहरा करे। और वह जिस वेला नेरा हो डर की वजह से बाणवा ही गुआच है। बाकी सब पेड़ का घर और आराम से आ रहे। जिस वेला वो उन्हें गिने एक दो त्रै चार पांच पचानवे छियानवे सतानवे अठानवे नड़िनवे ओहो योगे एक पेड़ का बनवा ही रहेगी। उस वेला वो गद्दी पेड़ा ना देखे कि भी ठीक है नहीं क्योंकि एक कुन विचू बनवा ही रहेगी जेडी नेरे की वजह से नहीं आ सकी। वो अंधेरा में तोड़ तोड़ उसने ढूंढने जाए क्योंकि रात ठंडी थी। उसने एक कैला आवाज दी थी एना ले फिर चुप हो गयो कि पेड़ की आवाज सुन सके। और कोई आवाज नहीं आई सिर्फ रात को नेरो ही उसने चारे बने लगा। उसने एक आवाज फिर दी थी एना ले फिर पहाड़ पर चढ़ गयो। उसने दूरों की तरह पेड़ की आवाज सुनाई। वो उस आवाज की टोवर गयो अदा पेड़ के कोला जा रहे। पेड़ एक जाड़ में थी फंसी हुई उसने उतू कढ़ी अदा उसने डेरे ले आयो। हर एक इंसान भी एक पेड़ ही है। वो अपने अपने राह पर चले हुए है। जिस वेला वो गुनाह अंधेरे से डर है तब वो गुआचे। यीशु खुदावंद एक होशियार गद्दी है। वो गुआचे हुए पेड़ ने भी ढूंढगा उसको पेड़ों पार करे। यो सब करने वास्ते उसने खुद ना कुर्बान कर छोड़ो। सिर्फ उससे की कुर्बानी की वजह से मारा गुनाह माफ हो सके। उसने मारा वास्ते मरनो भी मंजूर कियो और वो मौत की हालत में नहीं रह सक्यो। वो आज भी जीतो है। वो एक बढ़िया गद्दी है जेड़ो हमने सदा है कि हम उसकी प्यारी आवाज सुन गए उसके पीछे पीछे चला। अगर हम भी उसके पीछे चलना चाहवा तो उन्हें कहा कि हम उसका शुक्रगुजार हैं और उस पर ईमान ले आवा तो उसके पीछे चला।